आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में काम कर चुकी ममता सैनी, जी हां, ममता सैनी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। साथ ही वह एकेडमी का संचालन भी करती हैं। ममता सैनी से उत्तराखंड खबर की टीम ने की खास मुलाकात। जानते हैं क्या कुछ कहा ममता सैनी ने यूथ को लेकर इस इंटरव्यू में। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हमारे साथ मौजूद है ममता सैनी, जो कि एक बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं और आज हम आपसे उनकी खास मुलाकात कराते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका उत्तराखंड खबर में। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी शुरू हुई थी पंजाब से ही, अमृतसर से। और मेरी जब एज थी 5 to 6 ईयर, देन मैंने स्टार्टअप लिया था उस टाइम पे जलंधर दूरदर्शन और दिल्ली दूरदर्शन, आपको पता होगा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। आपका बचपन से ही एम था ये? हाँ, बचपन से एम भी समझ लो, और फिर जो मेरे फैमिली का जो एटमोसफियर रहा वो थिएटर से जुड़ा रहा था, तो इसीलिए भी इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ता गया। मैम, सुना है आपने बहुत सी मूवियों में भी वर्क किया है। जी हाँ, मैंने क्रिश 3 में एज ए आर्टिस्ट काम किया है, किक मूवी में किया है, हिम्मत वाला में किया है, जूली 2 में किया है, और मेन मैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ, और साउथ की मैंने 7 to 8 मूवीज़ एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे की हैं। मुंबई में किया, चेन्नई में किया, बेंगलुरु में किया, दिल्ली में किया, और हैदराबाद से मेरा जो पेरेंट्स है, फैमिली थी, वो हैदराबाद शिफ्ट हुई, फिर वहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, देन मैं यू टर्न लिया आपके ब्यूटीफुल उत्तराखंड में, और काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरी मतलब पुरानी कंपनी में अभी कितने बच्चे आप लेंगी? राइट नाउ मेरी एकेडमी में 15 का बैच अभी चल रहा है, एडमिशन्स ओपन है, आप जब मर्जी एडमिशन्स ले सकते हैं जल्द ही, क्योंकि ये रिन्यू हुआ है फिर से और नए टाइटल के साथ आपके सामने पेश होगा, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं, एडमिशन ऑनलाइन है, तो ऐसे हमारा वर्क चलता है। क्या कुछ खास रखा है आपने इस एकेडमी में आने वाले बच्चों के लिए? खास यही होता है कि देखिए, अगर हम किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्टडी होना, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बिना नॉलेज के आगे जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, मिसबिहेव आपके साथ हो सकता है, तो उसी तरह से इसकी भी स्टडी होती है बाकायदा। जब आप स्टडी कर लेते हो तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। का कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्टअप ले रहे हो? जैसे इंस्टीट्यूट है अभी जो राइट नाउ घंटाघर क्लॉक टावर पे एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, जिसके ओनर हैं रश्मि राठौर, मुंबई से बेस्ड हैं वो, तो रोज़ प्राइम करके ये बैनर शुरू हुआ है, जिसमें बच्चे एक्टिंग सीखते भी हैं, एक्टिंग मॉडलिंग, और अपकमिंग शो भी है जिसका टाइटल हम जल्द ही आपको बताएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर इनकी OTT भी शुरू हो जाएगी, तो मैं दिल से रश्मि राठौर जी का धन्यवाद करती हूँ, वो बहुत सपोर्टिव लेडी हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चों को सीखने को भी मिलेगा और आगे जाने की एक कोशिश होगी अच्छी वाली है। उसमें काफ़ी पोर्शन वगैरह होता है, आप उसमें क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, कैसे सेलिब्रेट करें? फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, दुनिया ना पटाखों पे बहुत ही ज़्यादा पैसे वेस्ट करती है, मैं चाहूँगी कि आप वो पैसे किसी गरीब को दें, सबसे बड़ी बात, और सेफली चलाएं, बच्चों को दूर रखें, ठीक है? आपके थोड़े से पैसे किसी के, जैसे आप दिए जलाते हो, जो भी करते हो, तो उस रात शायद किसी के घर में खाना ना हो। तो उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।